दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट बताया था और जब लो टेम्परेचर के ट्रीटमेंट में केटोसाल इंजेक्शन की बात चली तो बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आए कि केटोसाल इंजेक्शन अगर नहीं मिले या उपलब्ध ना हो तो उस समय हम कौन कौन से इंजेक्शंस यूज कर सकते हैं। आज संपूर्ण बातें मैं आपको विथ सॉल्ट बताऊंगा। तो देखिए, केटोसाल इंजेक्शन एक्चुअली है क्या? केटोसाल इंजेक्शन दो प्रकार के इंजेक्शंस यानी सॉल्ट से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें पहला जो सॉल्ट आप देख पा रहे हैं ब्यूटाफॉस्फोन, दूसरा जो सॉल्ट आप देख पा रहे हैं वो है साइनोकोबालामिन। तो अगर मान लीजिए कि ब्यूटाफॉस्फोन जो कि एक प्रकार की फॉस्फोरस फॉर्म है, यानी ये ब्यूटाफॉस्फोन क्या है भाई, यह है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस यानी ब्यूटाफॉस्फोन है, फॉस्फोरस फॉर्म है। और इसके अलावा दूसरा अगर हम बात करें साइनोकोबालामिन की तो ये क्या है, साइनोकोबालामिन क्या है, ये नरवाइड फॉर्म है। यानी ये वैसे साइनोकोबालामिन आपको पता है B12 की सिंथेटिक फॉर्म है, लेकिन ये एक प्रकार के नरवाइन इंजेक्शन के रूप में काम करेगी। तो हमें अगर मान लीजिए ये नहीं मिल रहा है तो इन दोनों का विकल्प आपको अलग अलग ढूंढना पड़ेगा, यानी इस एक की जगह दो लगाने पड़ेंगे। कौन कौन से लगाएंगे भाई? फॉस्फोरस के कौन कौन से इंजेक्शन मार्केट में मिलते हैं? फॉस्फोरस में सोडियम एसिड फॉस्फेट वाला यूरिमिन आता है, इसी तरीके से टोल्डिम फोस वाला टोनोफॉस्फोन आता है, इसी तरीके से बफर्ड फॉस्फोरस और आइनोसिन वाला नोविजेक आता है। तो इनमें से कोई सा भी इसकी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर पूरा इसका यूज, पूरा इसका वर्क हमें करवाना है तो उसके लिए नरवाइन इंजेक्शन भी आपको मिलाने पड़ेंगे। नरवाइन कौन कौन से मिलते हैं भाई? नरवाइन में बहुत सारे इंजेक्शन आपको मिलते हैं जो B1, B12, B6 मेथिलकोबालामिन वाले होते हैं, बहुत सारे साइनोकोबालामिन वाले भी होते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो ट्राइविवेट, जिसमें कि साइनोकोबालामिन और थाइमिन है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेकोवेडेक्सल, जिसमें कि मेथिलकोबालामिन है जो कि विटामिन B12 की एक नेचुरल फॉर्म है, वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा न्यूरोकाइन प्लस वेट, तो न्यूरोकाइन जो कि मिकोबालामिन वाला है वो भी बहुत ही शानदार रहेगा। यानी कोई सा भी आप नरवाइन इंजेक्शन जो विटामिन B12 है, B1, B6 वाला होता है, वो आप आराम से यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, पशुपालक प्लीज फॉलो ना करें, ये सिर्फ रजिस्टर्ड वेटनरी प्रैक्टिशनर्स के लिए एक छोटी सी जानकारी है, बाकी आपको अपने विवेक से इंजेक्शनों का इस्तेमाल करना है।